सब तो हम ही लोग का गलती है, जब फ्री में दिया, फ्री का यूज किए, आदत लगवाया। बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि अपना बेटा के जो पैसा खर्चा कर रहा है उन लोग से वसूला जा रहा है, वो फालतू बात है, वो खाली जियो के सिम है, उसका कोई इनकम नहीं ना है। हालांकि ये गवर्नमेंट सिम है, इसको यूज करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम, अगर नेटवर्क टावर बैठा दिया जाए अच्छा से तो जरूर यूज करेगा। क्या भाई साहब, आप कौन सा सिम यूज करते हैं? अभी तो सर हम जियो का सिम यूज कर रहे हैं। और ये प्लान जो इसका है, हर प्लान पे जो रिचार्ज इतना महंगा किया है, ठीक ठाक है का? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो गलत तो है ही, क्योंकि अभी हमारा कंट्री में बहुत सारा अन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, और सारा हमारा अंबानी भाई को भी सोचना चाहिए कि एक तो पहले इतना महंगाई चरम स्थान पर हो गया है, और पहले के कंपनी में रिचार्ज भी कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आई मीन बेटर नहीं है, माने दिक्कत है हर किसी का। हाँ, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या मतलब अब जियो के पोर्ट करा रहे हैं BSNL में? क्या अभी सोचेंगे, अभी तो मेरा रिचार्ज होया है तो जरूर सोचेंगे, अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर इस पर इसके बारे में अंबानी सोचा नहीं तो हर एक आदमी सोचेगा कि हम भाई कम पैसा में ज़्यादा यूज कर ले अच्छा चीज़। क्या लगता है कि उतना बड़ा बिजनेसमैन और एक रोड पे रहने वाला व्यक्ति के बारे में कभी सोचेगा वो? नहीं, ऐसा देखिए, जनता वो भी अंबानी है तो ऐसा नहीं है, वो भी उसको ही पता है कि भाई हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो मेरा भी बिजनेस का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसमें भी सोचेगा, जरूर सोचेगा वो। ऑटोमेटिक है, अगर ज़्यादा आदमी है किसी कंपनी में काम कर रहा, अगर उसका पैसा कम देगा तो उसके बगल वाला कंपनी में जरूर जाएगा, 4-10 रुपये ज़्यादा मिले, एब्सोल्युटली है। अच्छा, कहते हैं कि जो BSNL सरकारी कंपनी है वो घाटा में चल रहा है, तो क्या अगर इस तरह से लोग उसको सपोर्ट कर दे तो लेवल में आ जाएगा कि नहीं? देखिए बात है कि सबसे पहले बात है कि लोग हर एक जगह पर, जैसे अभी सोशल मीडिया की बात करें तो हर एक जगह पर नेटवर्क प्रॉब्लम सोचता है, और BSNL का नेटवर्क अभी ज़्यादा फैला नहीं है, तो इसके वजह से लोग अभी ज़्यादा यूज सोच रहा है कि चलो दिक्कत है। हालाँकि ये गवर्नमेंट सिम है, इसको यूज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम, अगर नेटवर्क टावर बैठा दिया जाए अच्छा से तो जरूर यूज करेगा। हम लोग BSNL का यूज करें? हाँ, जरूर करेगा, अगर नेटवर्क अगर अच्छा आएगा तो क्यों नहीं करेगा, क्या दिक्कत है जी। हेलो, देखिए ये भैया के हाथ में मोबाइल है, और कहीं ना कहीं ये भी जियो के सिम यूज करते होंगे। ये जियो के जो हर प्लान पर इतना रिचार्ज इंक्रीजमेंट किया है, उसके बारे में क्या अच्छा लग रहा है या खराब? क्या लग रहा है, सब तो हम ही लोग का गलती है, जब फ्री में दिया, फ्री का यूज किए, आदत लगवाया, जब देख लिया कि आदत लग गया है तो अब चाहे वो 300 करे चाहे 400, आदमी को रिचार्ज करवाने पड़ेगा ही। तो जैसे जिसके पास उतना संभव है वो तो करा लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा कमाता खाता है उसके लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, पहले 5G भी यूज किया होगा ना भाई फ्री में, वो एंड्रॉयड फ़ोन में करवे किया होगा यूज, एंड्रॉयड फ़ोन जब एफर्ट कर सकता है तो रिचार्ज करवाएगा ही। तो क्या मतलब अगर BSNL के जिस तरह से जियो के ये लोग परफॉर्मेंस दिए, अगर जियो को BSNL के अगर दें तो क्या BSNL का अच्छा हो ना हो पाएगा? होगा, लेकिन अभी BSNL उतना तो है नहीं कि हर जगह उसका ना टावर उपलब्ध है ना उसका नेटवर्क है, तो इसलिए सस्ता है। तो क्या ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से जियो स्पीड चल रहा था, BSNL भी स्पीड चलेगा तो इसका भी रिचार्ज बढ़ जाएगा क्या? हाँ, बढ़ाएगा ही जरूर, पहले आदत लगाएगा फिर रिचार्ज बढ़ाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है। अब टावर सब जगह लगाएगा तो 17 रुपये के रिचार्ज कहाँ से हर समय देते रहेगा, टावर बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ेगा, तो रिचार्ज बढ़ाएगा ही स्वाभाविक, अपना खर्चा निकालेगा ही ही। अच्छा, क्या लगता है कि जो मुकेश अंबानी इतना रिचार्ज महंगा किया है और बेटा के शादी में करोड़ों की शायद खर्चा कर रहा है, क्या जनता से वसूली कर रहा है क्या? ऐसा कुछ थोड़ी है कि वो 1000 करोड़ किया तो एगो रिचार्जे से कमाएगा, उसका पैसा कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, सब प्लान पहले से ही रहता है, इंक्रीज करने का रहता है, अब किया कि इंक्रीज, शादी ब्याह से वैसा से उसको थोड़ी कोई इफेक्ट है कि अब जनता से जियो के रिचार्ज। बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि अपना बेटा के जो पैसा खर्चा कर रहा है वो लोग से वसूला जा रहा है, वो फालतू बात है, वो खाली जियो के सिम है, उसका कोई इनकम नहीं ना है कि जियो के सिम से इनकम किया तब 1000 करोड़ खर्चा करेगा, उसका इनकम का स्रोत बहुत सारा है और है तब। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि जियो ही यूज करते रहें या BSNL में आइए? हम जियो आज तक यूज नहीं किए, हम आज तक एयरटेल पे हैं। एयरटेल पे हैं, एयरटेल के भी तो वही प्लान हो गया है। हाँ, बढ़ तो गया ही है, बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ाता है, सब कोई बढ़ाता है साथ में जी। अगर जिस तरह से जियो एयरटेल की या वोडाफोन की अगर उसी लेवल में अगर BSNL चलता तो BSNL भी तो अच्छा खासा पे रहता। BSNL भी पैसा बढ़ा देता, आपको सुविधा थोड़ी दे देता, सुविधा देगा तो चार्ज करेगा। अभी BSNL का नेटवर्क सब जगह है नहीं, अब गिनती से वो टावर ज़्यादा करेगा तो उसमें खर्चा है तो फिर पैसा चार्ज बढ़ाएगा ही, ये भी बढ़ाएगा बढ़ाएगा, एक स्वाभाविक सी बात है। क्या क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या बिल्कुल सही बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोले बिल्कुल परफेक्ट बोले भैया, बोले सही बोले, बिल्कुल सही, मैंने महंगाई के अनुसार रिचार्ज भी ठीक ठाक है। तो भाई सब कुछ बढ़ रहा है तो रिचार्ज भी बढ़ना चाहिए,
तो आपके लिए शायद सही है। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि इतना रिचार्ज करके बहुत लोगों का दिक्कत आ गया। तो नहीं रखिए, जब आपको नहीं लग रहा है तो नहीं रखिए, इसका साधारण सा उपाय। आपके समझ से क्या? हमारे समझ से सब सही है, तो ये भी सही है। देखिए, सुविधा भी चाहिए और फिर पैसा भी कम रहे तो सब चीज़ तो नहीं हो पाएगा। सुविधा अगर आपको दे रहा है तो चार्ज तो करेगा ही। आप लोग इस पर क्या राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।